हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं क्रंची सा, क्रिस्पी सा, लच्छेदार पकोड़ा, बटाटे का पकोड़ा। बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, और ये जितना क्रंची बनता है उतना ही यमी लगता है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए कुक विद जोया चैनल को, और सामने जो बेल के आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने एक बटाटे छील कर रख लिया और ये एक ग्रेटर ले लिया है। ये आप किसी भी साइड से इसको क्रश कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम क्रश करेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम ये मोटा वाला जो ग्रेटर है यहाँ से हम उसको ग्रेट कर लेंगे। बटाटे को अच्छे से लच्छेदार एकदम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमने ग्रेट कर लिया है बटाटे को। ग्रेट करके हमने धो लिया है अच्छे से, और धो कर इसको हमने रख लिया है, छन कर रखा था। इस तरीके से आपको ग्रेट कर लेना है। इसके बाद इसको हमें एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। चलिए हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है बटाटा। इसकी जब पकौड़े बनते हैं ना दोस्तों, इतना टेस्टी, इतना लजीज लगता है कि मुँह में पानी आ जाता है, बहुत ही यमी लगता है। तो चलिए इसको हम फटाफट इस तरीके से ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे। नॉर्मली बटाटे की भजिया सबको आते ही बनाने दोस्तों, ये एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच यकीन मानिए कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को घर में पसंद आएंगे, लोगों को पसंद आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारा जो बटाटा जो है कम क्वांटिटी के हैं, तो 2 टेबल स्पून ही हमने इसमें बेसन ऐड किया है। और ये क्रश किया हुआ धनिया जो हमने थोड़ा सा आग में रोस्ट कर लिया था, फिर इसको 1/2 टीस्पून हमने कूट करके 1/2 टीस्पून ले लिया। ये ज़ीरा है, अखा ज़ीरा है, जिसको इसको भी हमने रोस्ट किया था, करके कूट लिया था, ये भी हम 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे। अब जिस हमें अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने मिर्ची ऐड कर लिया है, मिर्ची पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर लिया है टेस्ट के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें हमें मैगी क्यूब्स ऐड करना है, क्योंकि हमें बहुत पसंद आता है मैगी क्यूब्स, तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे चिल्ली फ्लेक्स। ये दिखने में अच्छा लगता है, तो आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब डालेंगे ब्लैक पेपर, हमने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हम ये वीडियो थोड़ा अच्छे, मतलब जल्दी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं, आपका टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और इफ्तार के अलावा भी बहुत सारे बात काम रहते हैं, जैसे इबादत करना, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना। तो ये सब में अगर उतना टाइम आप लोगों को लग जाएगा तो फिर बाकी के काम कब होगा। इसकी वजह से सोचा कि चलो थोड़ा शॉर्ट्स में, मतलब थोड़े शॉर्ट में दिखाया जाए, थोड़ा कम टाइम लिया जाए आप लोगों को थोड़ा। तो इस यही सोचकर हमने ये वीडियो बहुत ही कम टाइम लगाया है और सब फटाफट बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए ये हमारा मैरिनेट हो चुका है, हमने बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा भी डाल दिया था। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे पकौड़े तलने के लिए। और एक बात की का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको धीमी आंच पे हमें पकाना है, पलटते हुए पकाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जितना आप टाइम देंगे इसको, वो उतना ही क्रंची और क्रश एकदम बनेगा, और बहुत ही मतलब कड़क कर बनेगा और अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पलट लीजिए। आप जैसे साइज में चाहिए आपको, बड़े छोटे आड़े टेढ़े आप बना लीजिए, जितना आड़ा टेढ़ा बनेगा ये जो रेसिपी है, ये पकौड़ा है, उतना ही खूबसूरत बेहतरीन दिखेगा दिखने में। तो लगभग 8 मिनट हो के छोड़ चुके हमें, पलटते हुए पका लिया हमने। ये अच्छे से कड़क और क्रंच हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है और ये अंदर से बहुत अच्छे से कड़क हो चुका है, बहुत ही कड़क। तो अब से हम उतार लेंगे दूसरे प्लेट पर, सर्विंग प्लेट पर। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में, वाव, मुँह में पानी आ रहा है दोस्तों, रोज़ा रखा है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही यमी चीज़ है, बहुत ही टेस्टी है एकदम, और आप इसको ज़रूर घर पे बनाइएगा। ये आइडिया भी बेस्ट आइडिया है, हम अलग अलग चीज़ें चाहते हैं बनाना सीखना। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारे
कुरकुरे लच्छेदार आलू के पकौड़े, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही यमी। दोस्तों ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम स्पाइसीनेस नहीं देते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, ये नॉर्मल रहता है और इतना क्रंच होता है कि खाते टाइम बहुत ही बढ़िया लगता है ये। आप इसे केचप के साथ सर्व कीजिए, बच्चे उंगली चाट कर खाएंगे और तारीफ भी मिलेगी दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों, आप वो ज़रूर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, पसंद आई। तो इफ्तार का आइटम है तो इसको आप अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस लाने के लिए, हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के पास नए नए तरीके के वीडियोस लाने के लिए। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।